नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे एक अद्भुत दवा आपके मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्सी को क्योर करने की। साथियों, ये इतना आसान नहीं है जैसे कि हम आपको दवा बता रहे हैं और आप इसको लेने लगें, लेकिन ये बहुत अच्छी दवा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद है जो उस मर्ज की एक मेन रेमेडी है वो हम आपकी जानकारी में डाल दें। ये विषय थोड़ा गंभीर होता है, कोई भी दवा हो अपने चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं एक ऐसी दवा जो आपके मिर्गी के दौरे, आपके बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी है, उसको ख़त्म करने में बहुत मदद कर सकती है, ये संभावना है और आपको लाभ दे सकती है। साथियों, अगर आपको या आपके बच्चों को, परिवार में किसी को मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्टिक कन्वल्जेंस हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने की, क्योर करने की बहुत कारगर दवा हो सकती है सिकुटा विरोसा। आप सिकुटा विरोसा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार 6 महीने तक लगातार लें। जो आप एलोपैथिक या जो भी आप दवा कर रहे हैं वो साथ में करते रहें। ये दवा उस दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये दवा आपको जड़ से ठीक करने में मदद करेगी, ऐसी पूरी संभावना है। हमने अपने क्लिनिक पर इस दवा को काम करते देखा है। तो आप सिकुटा विरोसा 30 पावर में दो दो बूंद किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के होम्योपैथिक शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के कन्वर्जेंस का तेजी भी कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी कि अब जो झटके उसको मान लीजिए महीने में 2 बार पड़ रहे थे, वो अब साल में 2 बार पड़ने लगे। तो सिकुटा विरोसा एक कोडन रेमेडी है एपिलेप्सी यानी कन्वल्जेंस यानी मिर्गी के दौरे को ख़त्म करने की। आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इससे लाभ मिले साथियों, तो कमेंट पोर्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में आप अपने क्वेरी को लिखकर हमसे क्वेरी का भी जवाब ले लीजिएगा। अगर आपको साथियों यह वीडियो समाज हित में लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इस दुआ के साथ धन्यवाद कि आपको या आपके बच्चे को इस समस्या से आप निकल सकें। इस वीडियो में आप साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।